जेके न्यूज टुडे देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से जो है, जिसको अमीक कहते हैं, उनकी तरफ से जो है एक अभिनंदन समारोह जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद रहे और साफ तौर पर उसमें काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं जो है वो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ को लेकर हुई और काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं जो है और भी हुई। तो आप लोग ज़रूर सुनेगा क्या कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा और क्या कुछ ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा। मैम, आज ये हमने अभिनंदन प्रोग्राम रखा है ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन कश्मीर विद द कोऑर्डिनेशन विद ऑल कश्मीरी पंडित बिरादरी। ये हर किसी के साथ है, तो ये एक संवाद है, एक पहल है, क्योंकि हम ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर का एक ही काम है इसमें कि ब्रिज का काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और समुदाय के बीच में, जो एक बहुत बड़ी खाई बनी है 33 साल का, तो आपको पता प्रताड़न के बाद, क्योंकि कहीं डिमांडें बहुत ज़्यादा है तो कहीं सुध नहीं ले रहा है कोई, तो इसलिए हम लोगों ने ये संवाद रखा। वी आर सिंपली डूइंग ब्रिज बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कम्युनिटी। परंपराओं का संपूर्णतम सम्मान करते हुए माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी को दस्तारबंदी की जा रही है कश्मीरी पंडित परंपरा अनुसार। आरब माननीय मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए टीम अमीक का स्वागत करना चाहूंगी मंच पर। अनुरोध कर रही हूं और दीप प्रज्वलन के लिए आज माँ सरस्वती का आह्वान करती वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं गिरिजा जी के निर्देश में Thank you.
के उज्जवल भविष्य के लिए नई प्रतिबद्धता से काम करने के लिए तत्पर है। जम्मू कश्मीर प्रशासन, उनकी रचनात्मकता, कड़ी मेहनत, उनके समर्पण को व्यक्तिगत सशक्तिकरण के में सक्षम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारी संस्कृति में ऋषि मुनियों ने जो निर्देश दिया है, सभी वर्ग सभी उम्र के लोगों का ध्यान रखने के लिए जो भी बन पड़े वो करना चाहिए, उस उद्देश्य से कुछ भी अकारण नहीं होता है। पिछले 3 वर्षों से ऊपर के समय से कोशिश की गई है, ये प्रयास भी रहा है कि लोगों की दिक्कतें दूर हों, किसी को तकलीफ ना हो, उनके सम्मानजनक जीवन में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, भाव वत्स भगवान सुख निधान करुणा भवन। भाव में वह क्षमता है वो भगवान को भी वश में कर सकता है। सबका भाव एक जैसा हो, जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण के प्रति समर्पित हो, ये बहुत आवश्यक है। इस कार्यक्रम के आयोजन द्वारा आप सभी लोगों ने जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। समारोह का प्रारंभ ही भगवद गीता के पाठ से हुआ, एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीता, देवकी पुत्र गीता, मैंने अर्थात एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र भगवान के श्रीमुख से निकला है और जिसने मानवता की सबसे बहुमूल्य वस्तु उसके चित्त उसकी चेतना को सही कर्म शुद्ध आचरण के लिए सदैव प्रेरित किया है। बड़े स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी, ज्ञान योगे न संज्ञान कर्म योगे न योगिना, ज्ञान एवं निष्काम कर्म दोनों मार्गों के अनुसार कर्म बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी क्षण मात्र बिना कर्म पर चले आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलने वाले सर्व समाज के लिए मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। उन्हीं कर्मों के द्वारा विकास के नए आयाम प्राप्त होंगे, जन कल्याण के अभियान को गति मिलेगी और हर एक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आ सकता है। कार्यक्रम के बारे में और पिछले 2.5 वर्षों की यात्रा के बारे में मेरे पहले बताया गया है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पीएम पैकेज इम्प्लाई हों या हमारे दूसरे साथी जो वहाँ नौकरी करते हैं, वो भले ही पीएम पैकेज के ना हो, इनकी जो वाजिब कठिनाइयाँ हैं हम भी जानते हैं। जब डिमांड करते हैं तो हमें पता रहता है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, कम से कम प्रभु दलों को मालूम रहता है, तो कुछ तो ये मान के मांग की जाती है कि ये हो जाएगा और कुछ लिखने के लिए लिखा जाता है। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, तो जो लिखने के लिए लिखा गया उसको निकाल दिया, जो करने लायक है उसमें आपको कहने की जरूरत है, वो निश्चित रूप से किया जाएगा। और ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, अभी सिद्धा साहब से मैं बात कर रहा था, पिछले वर्ष इन्होंने एक अच्छा अभियान शुरू किया था, 5163 युवा या मैं कहूँ कि स्वरोजगार के लिए लोग पंजीकृत हुए। इन्होंने लाइन डिपार्टमेंट को का विवरण दे दिया, मैं इनसे आग्रह कर रहा था कि थोड़ा ठंड कम हो जाए, लेकिन वही कैंप लगा कर लोगों को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है वही दे दिया जाएगा, उसमें 5162 नहीं होगा, पूरा 63 मिल जाएगा।
का बाजार दो तीन बातें आई, इस बजट में उसका भी प्रोविजन निश्चित रूप से होगा, तेजी से काम हो जाए।